गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज मैं दिखाऊंगा HFU का कैंपस फुटवांगन वाला। अभी हूँ मैं शोनिंगन में, अभी मेरे को वहाँ जाना है फुटवांगन, तो रास्ता भी दिखाऊंगा और फिर कैंपस भी दिखाऊंगा। ये लेफ्ट में जो है ये वाला शोनिंगन कैंपस है ये HFU का, पर मेरा कोर्स फुटवांगन कैंपस में है तो वो वाला कैंपस दिखाऊँगा। लेकिन अगर किसी को ये वाला कैंपस देखना है तो बता देना, ये मेरे घर के बहुत पास ही है। और सामने है ट्रेन स्टेशन, अभी पकड़ते हैं ट्रेन और चलते हैं फिलिंगन। अगर भाई यहाँ पर आ रहे हो ना HFU में, तो दो तीन नाम याद रख लो, जैसे शोनिंगन, फिलिंगन शोनिंगन और ये फुटवांगन, ऐसे ही दो तीन अजीब अजीब से। बस शोनिंगन का बान ऑफ है ना, इसके बिल्कुल सामने ही शोनिंगन कैंपस है HFU का, ये वाला, ये सारी बिल्डिंग मतलब इसके पीछे वाली। और ये देखो छोटी सी बस, बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है DB मतलब कि डॉइच बान, और ट्रेन स्टेशन को बोलते हैं बान ऑफ। यहाँ पे ये आ गई ट्रेन, अब इसमें बैठते हैं फिर चलते हैं, आगे दिखाता हूँ क्या होता है। और अगर कोई इंडिया से फुटवांगन आ रहा है तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है नीचे, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूँगा पूरा रास्ता कैसे कैसे आ सकते हैं। अभी उतर चुका हूँ मैं ट्रेन से और पहुँच चुका हूँ फिलिंगन। यहाँ से बस जाती है फुटवांगन के लिए, तो अगर आप आ रहे हो ना इंडिया से पहली बार या फिर मतलब कहीं से भी आ रहे हो, तो शायद यहीं से आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी। अभी देखता हूँ कहाँ पर आएगी मेरी बस। मेरा बस नंबर है 61, 5-6 मिनट में निकलेगी बस, लेट तो नहीं हुआ है। अभी बैठ चुका हूँ बस के अंदर और यहाँ से बाहर का व्यू देख लो कितना तगड़ा आ रहा है। आज वेदर भी बिल्कुल साफ़ है ना, तो बिल्कुल सब कुछ सही सही दिख रहा है। मेरी फिलिंगन से बस है 40-45 मिनट्स की बस है फुटवांगन की, तो अभी बस पहुँचता हूँ फिर दिखाऊँगा आगे कैसा है फुटवांगन और कैंपस। मैंने सर्च किया था यूट्यूब पर फुटवांगन कैंपस की कोई वीडियो है या फिर नहीं है, तो भाई हिंदी में तो कोई भी वीडियो नहीं मिली मेरे को फुटवांगन कैंपस की, तो शायद मेरी पहली वीडियो है मतलब हिंदी में। भाई अगर कोई पहली बार आता है ना फुटवांगन, तो इस वाले बस स्टैंड पर उतरता है, ये वाला रोजले प्लाट्स, और ऐसा कुछ दिखता है अपना फुटवांगन। और इस साइड दिख रहा होगा HFU लिखा है, यहाँ पर है यूनिवर्सिटी। अभी आगे चल के दिखाता हूँ। और ये अंकल जा रहे हैं साइकिल से कहीं। ये यहाँ पर हैं दो तीन ब्लॉक हैं यहाँ पर, और फुटवांगन में बाकी जगह भी ब्लॉक्स हैं, दो तीन ब्लॉक यहाँ पर हैं ABC, आई डोंट नो कौन कौन से हैं, लेकिन दो तीन हैं यहाँ पर और बाकी जगह पे भी हैं। जैसे मेरी क्लासेस होती है I ब्लॉक में, वो ब्लॉक थोड़ा सा यहाँ से दूर है मतलब 5-6 मिनट दूर। फुटवांगन वैसे छोटा सा ही है, 10 मिनट में कोई भी फुटवांगन को देख सकता है, 10 तो नहीं 15-20 मिनट में पैदल वो भी। ये रहा यूनिवर्सिटी, उसका एंट्रेंस दूसरी साइड से भी है, तो मैं वहाँ की वीडियो भी डाल दूँगा। और ऐसे कुछ 3-4 ब्लॉक हैं, आगे जाके दिखाता हूँ। और ये पार्किंग एरिया है मतलब ये बैक साइड वाला एरिया है जहाँ पर गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं। आगे वाला एरिया भी दिखाऊंगा, यहाँ से भी जा सकते हैं क्योंकि ये बस स्टैंड के पास ही है ना, और यहाँ पर स्टूडेंट डोमेट्री है वो थोड़ी ऊपर है पहाड़ पे चढ़ने के बाद। अगर उसकी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी वीडियो भी बना दूँगा। ये राजा से यहाँ पर लिखा हुआ है ना A ब्लॉक, ये A ब्लॉक की एंट्री है। भाई ऐसी कुछ दिखती है अपनी HFU यूनिवर्सिटी।
ये सारे ब्लॉक एच एफ यू के ही हैं, पर मेरी क्लासेस नहीं होती यहाँ पर, एग्ज़ाम हुआ था बट क्लासेस होती हैं कहीं और, मतलब दूसरे ब्लॉक में। और सामने दिख रहा होगा, ये सामने है मेंजा, अभी आगे जाके दिखाता हूँ। ये वाला सी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक की एंट्री है। और ये है मेंजा, यहाँ पर कैंटीन को मेंजा बोलते हैं, तो जो मर्जी बोल लो। ये ऐसा कुछ है मेंजा, अगर चाहते हो कि अंदर जाके दिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं सारे ब्लॉक अंदर जाके, सारे तो नहीं, एक दो ब्लॉक की घूमूंगा यार, सारे जाके क्या ही करूँगा। अभी मेरे को लेनी है एक बस, और वो दिख रही है ना बिल्डिंग्स ऊपर, ये जी एच स्टूडेंट डोमेट्री है, यहाँ पर बोलते हैं GHB। अगर GHB के रूम्स की वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि जो भी आते हैं ना फुटवांगन, वो यहीं से मैं GHB में रुकते हैं। सारी डिटेल बता दूंगा उस वीडियो में। और ये है आगे से यूनिवर्सिटी का गेट, जहाँ से एंट्री है, ये भी दिखाता हूँ। ये मेन ब्लॉक है HFU का भाई, ऐसा कुछ दिखती है फुटवांगन की सड़कें, बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पर, ताकि पॉपुलेशन अराउंड 9-10,000 ही है। और ये वाला जो म्यूज़ियम है, ये है क्लॉक म्यूज़ियम, मैंने आज तक विज़िट नहीं किया वैसे, पर मुझे पता ये है HFU का मेन बिल्डिंग। अभी तो मेरे को अंदर जाना है नहीं, अभी तो मेरे को बस लेनी है, तो मैं वहाँ चलता हूँ। और GHB का रास्ता है यहाँ से, और भी भाई फुटवांगन एक्सप्लोर, फुटवांगन वैसे कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा सा है, मैंने बताया जैसे बहुत कम ही घर है। ये वाला है आई ब्लॉक, जिसमें मेरी क्लासेस होती हैं, ये वाला ब्लॉक भी दिखा देता हूँ अंदर से, क्योंकि और किसी में तो मैं अंदर गया नहीं था। भाई ये है फुटवांगन का सिटी सेंटर, कोई भी नहीं है यहाँ पर, खाली रहता है मोस्टली, सैटरडे को यहाँ मार्केट, काइंड ऑफ मार्केट लगती है, लेकिन वैसे खाली रहता है। और ये रेस्टोरेंट वगैरह कोई पता नहीं कौन सा है, और अब दोबारा से हम जा रहे हैं वही बस स्टैंड पे ही। भाई देख लो ऐसे पहाड़ हैं, ऐसा लग रहा है ना जैसे मसूरी हो, शिमला ऐसी है यहाँ पर, जर्मनी जैसी फील ही नहीं आती। और ये नई गाड़ी खड़ी हुई है, पता नहीं किसकी। ये दोबारा से वही जो मैंने दिखाया था, बस स्टैंड आ चुका है, रोसले प्लाट्स, यहाँ पर नदी वगैरह, रिवर है कोई पता नहीं कौन सी। बस बहुत छोटा ही है फुटवांगन, और बाकी मैं आगे दिखाऊंगा बस में बैठने के बाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, और अगर कुछ पूछना है तो भाई कमेंट कर देना, और अगर ऐसी वीडियोस देखनी आगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।